नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। जौनपुर महाराजगंज एबीएस इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और डोमेस्टिक जनरेटर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान अभिभावकों और छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश आर के सिंह ने कहा कि विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित बच्चों द्वारा किए गए सभी मॉडल उनके अंतर्निहित प्रतिभा का दर्शन कराते हैं। पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी ने प्रस्तुत मॉडल का अवलोकन करते हुए कहा कि बच्चों में कौशल के विकास के लिए प्रयोग आवश्यक है। वहीं प्रदर्शनी में पहुंचे एडीएम जौनपुर राम प्रकाश ने कहा कि प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए गए सभी मॉडल स्वयं में अजूबे विज्ञान है। विज्ञान का अध्ययन तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उसे प्रयोगशाला में सिद्ध न कर लिया जाए। कार्यक्रम में पहुंचे यूपी कॉलेज के कृषि विभाग के एचओडी कुलदीप सिंह ने कहा कि सभी बच्चों को प्रदर्शनी में भाग लेना चाहिए। वहीं इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर सतीश सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर आरसी सिंह, अवधेश मिश्रा, शिव प्रताप, दीना नाथ सहित कई अन्य अभिभावक और अध्यापक गण उपस्थित रहे। पढ़ते थे हम लोग को पढ़ाया जाता था सामान्य ज्ञान के लिए कि रेल के इंजन का आविष्कार कौन किया था। ऐसे हम लोगों से बचपन में पूछा जाता है कॉलेज स्कूलों में, तो बताया जाता था कि रेल के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अब मुझे लगता है कि जेम्स वाट जब छोटे रहे होंगे उनके घर में पतीले में खाना बन रहा था तो ढक्कन ऊपर नीचे होता रहा होगा, तो उनके दिमाग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा कि इंजन में बनाने के लिए हम भाप का सहारा ले सकते हैं। इसी तरह से हम किसी भी चीज को धरती के ऊपर फेंकते हैं लेकिन वो ऊपर जाकर के नीचे ले जाती है, तो इसका मतलब हमारे धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। लेकिन इसका खोज कौन किया, इनका खोज कौन किया, हमारे वैज्ञानिक ये उस सेब को ऊपर फेंके, सेब नहीं गिरा तो उन्होंने खोज किया कि हमारे धरती के अंदर इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि हम ऊपर नहीं फेंक सकते। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कोई भी वैज्ञानिक बना होगा, कोई भी मिसाइल मैन बना होगा, कोई कुछ बना होगा तो इन्हीं परिस्थितियों से जबकर तो गुजरा होगा। हमारे विद्यालय के प्रबंधक ने, प्राचार्य जी, डायरेक्टर लॉर्ड, उनके सारे टीचर्स इतनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराए हैं, वो
यह कह सकती हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे जनपद नहीं पूरे भारत वर्ष में हमारे बच्चे नाम रोशन करेंगे, ऐसा हम अपने बच्चों के प्रतिभा को देखेंगे। और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, मुझे आज उन मोदी की याद आ गई, संगी बाबू अंध सुधाकर सिंह की हमारी के रहने वाले थे। मुझे याद है राजनीति एबीसीडी हम महाराजगंज से सीखे थे, हम विधायक द्वारा दो बार बने, महाराजगंज भी उससे प्रमुख था। और मैंने अपने राजनीतिक जीवन का की शुरुआत राजनीतिक क्रियाकलाप आपके घर के अंदर जाकर के मैंने यहीं पर सीखा था। और हमारी गांव जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे गांव में जब हम जाते थे, आपने टाइम में गए थे, अमित बहादुर सिंह जी के बच्चों ने इतना बड़ा काम किया, अपने पिता के सपने को ऐसा साकार किया, यह देख करके मुझे लगता है कि जो हमारा शास्त्र कहता था, हमारी मनुस्मृति कहती है, हमारा धर्म कहता है कि पुत्र लिंग से उलीन होने के लिए हमको संतान की आवश्यकता पड़ती है। तो अमित बहादुर सिंह ने जो सपना देखा था, उनके सपनों को उनके बच्चों ने इतना बड़ा साकार किया, इसकी कल्पना शायद किसी को नहीं रही होगी। हम ऐसे बच्चों को बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं कि आपने अपने धरती को अपनी मातृभूमि को आप नहीं भूले। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, बंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, गोवा जाते हैं, सूरत जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद अपनी मातृभूमि को याद नहीं करते। संजय सिंह ने पैसा कमाया, नाम कमाया, और उसका सदुपयोग अपने महाराजगंज की धरती पर उन्होंने करके क्षेत्रवासियों को जो तोहफा दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, यह पूरा क्षेत्र उनका आजीवन ऋणी रहेगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता रहेगा। जौनपुर से केकेडी न्यूज ब्यूरो ओम प्रकाश सेठ की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।